Hello class 7, welcome back to your computer class. So kids, now after completing the first chapter, not the first chapter but the basics of computer, here we are at our chapter 1, computer software. Fine, so abhi humne kya padhna, we have to read about the computer software. So what is a software and how many types of software, system software, operating software, what are the functions of the software? All these topics we will discuss. ये सारे topics आज की class में we are going to discuss all these topics. Fine? Okay. Now class, one more thing. अभी basics of computer we have completed. Now here we are here on this first chapter. देखो, this is your class 7th book and we have started this chapter, that is computer software. We have to read about the computer software, about software, types of software, system software, application software, software's use. Fine, let us start. Chalo, let us start now. Yeah, so software. देखो, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दीज आर द टू पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. सो वी अभी देखो, इतने साल से, मतलब यू आर रीडिंग कंप्यूटर साइंस, मतलब 1 to 7 इतने साल से आपने कंप्यूटर पढ़ा. सो आई गेस यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द सॉफ्टवेयर. ठीक है, यहाँ पे मैंने पेज यू चेंज किया है सो दैट आपको बुक्स एकदम क्लियरली विजिबल हो. ठीक है, नाउ सॉफ्टवेयर वी हैव टू रीड. सो आई एम गोइंग टू ओपन क्लास 3 बुक. क्लास 3 की बुक में बहुत ही प्रॉपरली मेंशन है. देखो, मैं हमेशा छोटे क्लास की बुक्स क्यों मेंशन करती हूँ, क्योंकि इजी टर्म्स में समझना हमारे लिए आसान हो जाता है. सो हियर आई हैव ओपन क्लास 3 बुक एंड यस, यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर, वी आर हैविंग टॉपिक ऑन सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट फ्रॉम हियर एंड देन वी विल मूव अहेड. ठीक है, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. नाउ सो देखो, सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू क्लास 3rd बुक, व्हाट इज सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू क्लास 3rd बुक, नॉट द 7th बुक. अब देखो, सॉफ्टवेयर का मीनिंग नहीं बदल जाएगा अगर वेदर इट इज क्लास 1 की बुक और क्लास 7th 8th की बुक. अगर मैं एडिशन बोलूंगी तो एडिशन की मीनिंग नहीं बदल जाएगी, चाहे आप किसी भी क्लास की कोई सी भी बुक आप क्यों नहीं रीड, मैथ्स की कोई सी भी बुक आप क्यों नहीं रीड करोगे, एडिशन विल बी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन. सिमिलरली जो स्टैटिक टर्म्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर इज अ स्टैटिक टर्म्स. चलो लेट अस सी. ओके, नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर इज वो, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. सो सॉफ्टवेयर इज वॉट, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. किसी पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से किया जाए वो क्या होता है आपका, दैट इज योर सॉफ्टवेयर. मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिससे हमें पता चलता है कि हमें कोई काम कैसे करना है, हाउ वी हैव टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है. फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रॉ एंड कलर ब्यूटिफुल पिक्चर्स इन MS पेंट ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे वॉट वी डू, वी ड्रॉ एंड कलर ब्यूटिफुल पिक्चर्स. ठीक है, हियर द कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. कंप्यूटर यहाँ पे किस चीज का एग्जाम्पल, कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. ठीक है, एंड MS पेंट इज दैट ऑफ अ सॉफ्टवेयर. नाउ लेट मी ओपन MS पेंट एंड शो यू. सो आई एम गोइंग टू ओपन द पेंट सॉफ्टवेयर टू शो यू. अभी देखो, यहाँ पे मैंने पेंट ओपन किया. समझने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ पेंट में सपोज करो कि मैंने ब्रशेस लिए, मान लो ब्रश में मैंने मार्कर लिया, अब मार्कर में मैंने कलर ब्लू ले लिया और यहाँ पे सपोज करो मैं सॉफ्टवेयर लिख रही हूँ. ठीक है, नाउ अब ये समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिख रही हूँ तो आई एम यूजिंग माई लैपटॉप माउस, माउस का यूज कर रही हूँ. माउस का यूज जब हम कर रहे हैं तो माउस क्या है, दैट इज हार्डवेयर.
व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर आर द ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टच. तो कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं आर टर्म्ड एज हार्डवेयर. कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं आर द हार्डवेयर, एंड कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिनको हम छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच, दे दैट वी यूज जस्ट टू गिव द इंस्ट्रक्शन, दैट इज व्हाट, दैट इज सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो सॉफ्टवेयर इज व्हाट, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. कोई भी पर्टिकुलर टास्क कंप्यूटर पे कैसे किया जाएगा, दिस वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. इसको हमें सॉफ्टवेयर से ही हमें इस बारे में पता चलेगा. ओके फाइन. नाउ यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की. ठीक है, तो चलो पहले अब आपकी भी बुक से देख लेते हैं अबाउट सॉफ्टवेयर. ओके अबाउट सॉफ्टवेयर, चलो पहले अब आपकी बुक से भी देख लेते हैं. तो सॉफ्टवेयर इज व्हाट, सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, वी आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम. इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन. सो इट इज नोन एज इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज. सो दिस इज ऑर्गेनाइज फॉर वॉट, दिस इज ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज दैट टेल्स द कंप्यूटर वॉट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म दैट. इट टेल्स द कंप्यूटर वॉट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म दैम. ठीक है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर सिस्टम बाई क्रिएटिंग अ ब्रिज. अच्छा नाउ ठीक है, अभी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. पहले मुझे ये समझाने दो कि सॉफ्टवेयर क्या है. सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट प्रोग्राम एंड इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज. अब जैसे कोई पर जैसे अगर हम बात करें पेंट की, यहाँ पे जो लाइन आई है रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज फॉर कॉमन पर्पज. तो अगर हम पेंट की बात करें तो पेंट में देखो क्या हो रहा है, पेंट इज अ सॉफ्टवेयर विच वी यूज फॉर व्हाट, पेंट इज अ सॉफ्टवेयर विच वी यूज फॉर या फॉर कलरिंग, फॉर मेकिंग पिक्चर्स और फॉर ड्राइंग, राइट. ठीक है, तो ये होता है पेंट का यूज. नाउ पेंट सॉफ्टवेयर, पेंट प्रोग्राम को बनाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे वो इस अकॉर्डिंग ही लिखे गए थे कि यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हियर वी आर गोइंग टू डू द, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हियर वी आर गोइंग टू पेंट, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पेंट द प्रोग्राम्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ. तो सेम थिंग इज मेंशन हियर दैट सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज दैट टेल्स द कंप्यूटर वॉट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म दैम, वॉट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म दैम. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर सिस्टम बाई क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर. वॉट हैपन, इट प्लेज अ वाइटल रोल. ठीक है, सो दिस इट प्लेज वॉट अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में इट प्लेज अ वाइटल रोल बाई क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन, इट क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन, ब्रिज बिटवीन वॉट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर्स. कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूजर के बीच में इट क्रिएट्स अ ब्रिज, एक ब्रिज बनाता है, राइट. ओके, ब्रिज किस तरह से, देखो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर सादा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, सिस्टम यूनिट, दीज ऑल आर द कंप्यूटर हार्डवेयर. एंड कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर कौन है, मैं आप हम लोग क्या है, कंप्यूटर यूजर. नो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वी गिव कमांड टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, कंप्यूटर को कमांड हम किसके हेल्प से देते हैं, वी गिव कमांड टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ आपका एक ब्रिज. जैसे ब्रिज क्या करता है, ब्रिज रिवर के टू साइड्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ब्रिज रिवर के टू साइड्स को कनेक्ट करता है. तो दिस साइड यहाँ पे हम क्या हैं, वी आर द यूजर्स. ठीक है, सपोज यूजर्स हैं हम, और
इस साइड, दिस साइड, यहाँ पे, दिस साइड, इस साइड कौन है, यहाँ पे है कंप्यूटर हार्डवेयर। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है आपका, इन दोनों के बीच में कंप्यूटर कोऑर्डिनेशन का काम आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करता है। फाइन, नाउ यूजर इंटरैक्ट विद अ सॉफ्टवेयर थ्रू इट्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरैक्ट करते हैं विद द यूजर इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ देयर इंटरफेस। द यूजर इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो यूजर इंटरफेस व्हाट इट डज, ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, द यूजर इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू एंटर डेटा इंस्ट्रक्शन हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ना। अच्छा चलो एक चीज देखो, ध्यान से देखो एक चीज, अगर मैं, चलो पेंट से ही बात करें, मैं तो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रही थी बट पेंट की ही बात करें। देखो यहाँ पे बात क्या हुई है कि यूजर इंटरैक्ट करता है सॉफ्टवेयर से, किसके थ्रू इंटरैक्ट करता है, यूजर सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की मदद से यूजर क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। द यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे क्या होती है, डिस्प्ले होती है। ओके, द यूजर इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी देखो दिस इज व्हाट, अभी आपको यहाँ पे जो पेंट का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, यूजर इंटरफेस है। दिस इज व्हाट यूजर इंटरफेस, व्हाट इज यूजर इंटरफेस। अब देखो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज इफ आई वॉन्ट टू यूज द ब्रशेस, सो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रशेस दैट आई वॉन्ट टू, आई विल क्लिक हियर एंड मेरा काम हो जाएगा, आई विल गेट द ब्रशेस फ्रॉम हियर। ठीक है, ब्रशेस यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है। अब यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि फ्रॉम हियर आई कैन ड्रॉ द शेप्स, यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, फ्रॉम हियर आई कैन टेक द शेप्स, शेप्स जो भी है दैट आई कैन टेक फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं शेप्स ले सकती हूँ। किसी चीज को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, क्रॉप है तो यहाँ से, तो दिस इज यूजर इंटरफेस। कैसे, कहने का मतलब क्या है कि पेंट एक सॉफ्टवेयर है, अगर पेंट एक सॉफ्टवेयर है तो अब सवाल आता है कि इफ इट इज सॉफ्टवेयर तो इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे किया जाए। तो पेंट अगर एक सॉफ्टवेयर है, इफ इट इज अ सॉफ्टवेयर एंड आई वॉन्ट टू यूज दैट, नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू यूज दैट सॉफ्टवेयर है पेंट और पेंट को हमें, मुझे इस्तेमाल करना है, देन दीज ऑल आर द इंस्ट्रक्शन, दीज ऑल आर द, दिस इज द यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये यूजर इंटरफेस है जहां से यूजर, यूजर मतलब कौन, यूजर मतलब मैं, मुझे पता चल रहा है दैट मुझे कैसे इस कंप्यूटर को, कैसे इस कंप्यूटर को, इस सॉफ्टवेयर को, दैट इज सॉफ्टवेयर इज पेंट, कैसे इसे पेंट सॉफ्टवेयर को यूज करना। अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लें, आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ अनदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एक दूसरे सॉफ्टवेयर का मैम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। चलो मैम मैं सॉफ्टवेयर चेंज करके देखती हूँ, कैलकुलेटर। ठीक है, अगर मैंने कैलकुलेटर का यूज किया, चलो ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का यूज किया। अब देखो ध्यान से एक चीज देखो कि अब ये इसका यूजर इंटरफेस है, कैसे, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे स्पेशल साइंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स दिए हुए हैं कि सपोज आई वॉन्ट टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू फ्रॉम हियर दैट आई, यहाँ पे हम, मैं आई कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, अंडर रूट और एनीथिंग लाइक दैट, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिल जाएंगी, यहाँ से मैं स्क्वायर फाइंड आउट कर। तो देखो ये क्या है, ये यूजर इंटरफेस, ये मेरा क्या है यहाँ पे, दिस इज द यूजर इंटरफेस। अभी समझ में आया सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उससे यूजर को पता चलता है हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितना बेहतरीन जीयूआई होता है, जितना बेहतर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उतना प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, जितना प्रॉपरली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया रहेगा उतने प्रॉपरली हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तभी आपने कभी कभी सुना होगा, भैया दीदी लोगों को सुना होगा कि कुछ ऐसा बोलते हुए कि
भैया दीदी को ये बोलते हुए सुना होगा कि इस वेबसाइट का क्या नहीं अच्छा, इस वेबसाइट का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा करके कुछ आपने सुना होगा अपने भैया दीदी को घर पे बोलते हुए, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड। व्हेन अ जीयूआई यूजर इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर यूजिंग टेक्स्ट ग्राफिक एंड विजुअल इमेजेस सच एज आइकन्स विथ अ जी यू आई, एक जी यू आई एक यूजर इंटरैक्ट कैसे करता है, जी यू आई की मदद से वो इंटरैक्ट करता है, जी यू आई की मदद से वो इंटरैक्ट कैसे करता है, वो इंटरैक्ट करता है बाई यूजिंग द टेक्स्ट ग्राफिक्स, टेक्स्ट ग्राफिक्स विजुअल इमेजेस इन सारी चीजों को यूज करते हुए। ओके फाइन, इतना समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म। सॉफ्टवेयर व्हाट इट हैपन, इट इज अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, अलग अलग वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। नाउ नाउ द नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर। सो लेट अस टॉक अबाउट द पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लें हम। इट इज अ कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल इन कंप्यूटर स्टोर और ऑन द इंटरनेट। पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। लेट अस सर्च अबाउट द पैकेज सॉफ्टवेयर ऑन वेब, ठीक है, let us search about them on web and let us find out what are the information given about the package software. So I am going to write here examples of package software, ठीक है। अब देखो अगर पैकेज सॉफ्टवेयर की बात हुई तो यहाँ पे जो पहला टर्म आ रहा है हमारे सामने वो कौन सा आ रहा है, सबसे पहला द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कॉपीराइट किसका, कॉपीराइटेड पैकेज सॉफ्टवेयर का। पैकेज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक पैकेज में अवेलेबल होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा देखते हैं क्या मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर मैं ऑफिस डालूं, नहीं ये कुछ और है क्या, यही है, लेट अस सी। हाँ ये दिस इज द, अच्छा सॉरी इसका इंटरफेस, अगेन आई एम यूजिंग द टर्म, इसका यूजर इंटरफेस चेंज हो गया इसलिए मैं इसको पहचान नहीं पाई। सो हाँ ऑफिस इज अवेलेबल हियर, ठीक है। तो देखो ऑफिस ऑन द वेब, अब देखो क्या क्या है पैकेज सॉफ्टवेयर में, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, आई एम गेटिंग द वर्ड फाइल, आई एम गेटिंग द एक्सेल, आई एम गेटिंग द पावर पॉइंट, ऑल्सो आई एम गेटिंग द फ्री 5 GB ऑफ सिक्योर ऑनलाइन स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड फोटोज, आई एम गेटिंग द 5 GB फ्री इजली शेयर एंड को ऑथर डॉक्यूमेंट विथ अदर। सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट इज अवेलेबल हियर इन दिस, फाइन। तो ये क्या था, पैकेज सॉफ्टवेयर था, इट इज अ कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल इन कंप्यूटर स्टोर और ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पैकेज सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट इज कस्टम सॉफ्टवेयर। अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रीड इज कस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा चलो एक बार देखते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर को। इफ यू वॉन्ट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर योर नीड देन यू मे आस्क अ प्रोग्रामर टू डेवलप एंड डिजाइन कस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कस्टम नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम क्या कैसा कर सकते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर में वी कैन आस्क अ प्रोग्रामर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर अस, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम वी कैन ऑर्डर ऑर्डर अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जिस सॉफ्टवेयर की हमें ऐसा जरूरत है तो उस तरह का सॉफ्टवेयर व्हाट वी कैन डू, वी कैन
ऑर्डर, फाइन। नाउ ओके, कस्टम सॉफ्टवेयर इज व्हाट? कस्टम सॉफ्टवेयर इज इफ यू वांट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर योर नीड। समझ में आया कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपने नीड के लिए चाहिए तो आप अपने प्रोग्रामर को बोल सकते हो, आप अपने प्रोग्रामर को बोल के वो सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो, डेवलप करा सकते हो, यू कैन गेट दैट सॉफ्टवेयर विथ यू। अच्छा, यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, हाँ यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि अगर हम कस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे डिजी कैम कैन बी सच एग्जाम्पल। ठीक है, डिजी कैम जिसके थ्रू आप फीस वगैरह ऑनलाइन पे करते हो, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है कस्टम सॉफ्टवेयर का, कि हम क्या करवाते हैं, जैसे डिजी कैम APS का, APS स्कूल्स उसको यूज करते हैं, तो प्रोग्रामर को कह के एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कराया गया जिसकी मदद से हम वहाँ पे फीस पे कर सकें, बच्चों के रिजल्ट और ये सारी चीज़ें तैयार कर सकें। तो कस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या है, इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट फॉर योर नीड, देन यू इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आस्क प्रोग्रामर टू डेवलप सच सॉफ्टवेयर फॉर अस। नाउ द नेक्स्ट इज वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, वेब एप्लीकेशन। नाउ वेब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सो इट इज अ वेबसाइट दैट अलाउ द यूजर टू एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम एनी कंप्यूटर। इट इज व्हाट, इट इज अ वेबसाइट, ठीक है, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को एक्सेस, इट इज अ वेबसाइट दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, द सॉफ्टवेयर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन इंक्लूड ईमेल, वर्ड, ठीक है, एंड गेम प्रोग्राम। अभी फिर से समझते हैं अबाउट वेब एप्लीकेशंस को। सो इट इज अ वेबसाइट, ये क्या है, एक वेबसाइट है जो कि यूजर को एक्सेस देती है सॉफ्टवेयर का फ्रॉम एनी कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो इफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, सी अगर कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, इफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट देन व्हाट हैपन, इफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट देन ये उसे क्या देती है, इट गिव्स द एक्सेस टू दैट कंप्यूटर, ये उस कंप्यूटर को क्या देती है, प्रोवाइड द एक्सेस, फाइन। जैसे ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ओपन सोर्स। अच्छा फाइन, लेट अस टॉक अबाउट द ओपन सोर्स। तो जब हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, तो ओपन सोर्स में हमारे पास क्या आता है, यू कैन यूज डू मॉडिफिकेशन ऑन एन ओपन सोर्स, जैसे लिनक्स, लिनक्स या लिनक्स जो भी आप उसको बोलते हो, वो क्या है, इट इज एन ओपन सोर्स प्रोग्राम। लिनक्स या लिनक्स, लिनक्स इज व्हाट, इट्स एन ओपन सोर्स प्रोग्राम, मतलब यू कैन डू मॉडिफिकेशन इन ओपन सोर्स प्रोग्राम, इन एन ओपन सोर्स प्रोग्राम इन लिनक्स व्हाट यू कैन डू मॉडिफिकेशन। जैसे कि कहने का मतलब क्या, कोई सॉफ्टवेयर है, अभी जैसे मैं चाहूँ भी, जितना भी चाहूँ मैं विंडोज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं ला सकती, ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि कोडिंग करके मैं विंडोज़ में मॉडिफिकेशन ले आ दूँ तो मैं नहीं ला सकती, बट लिनक्स और ऐसे ओपन सोर्स प्रोग्राम में व्हाट हैपन, आई कैन मॉडिफाई द प्रोग्राम, मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सकती हूँ। सो इट कैन यूजली बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, ऑल्सो दीज प्रोग्राम्स कैन बी ईजिली डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, इन प्रोग्राम्स को हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन टॉपिक देखा, पहला इस पैकेज सॉफ्टवेयर, फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव सीन हियर इज द पैकेज सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर क्या चीज है, पैकेज सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पूरे पैकेज में आता है, जैसे कि कोई हैमर, जैसे हम वॉइस कॉल वगैरह के लिए जब जियो का आप रिचार्ज कराते होगे, जब आप जियो का रिचार्ज कराते होगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो जियो का रिचार्ज कराने पे आपको
जियो के रिचार्ज पे क्या होता है, जब आप जियो का रिचार्ज कराते हो वहाँ पे देखो आपको आता है कि आपको डेटा भी मिला, उसके साथ साथ आपको डेटा के साथ साथ आपको इंटरनेट फैसिलिटी भी, डेटा तो मिल ही रहा है प्लस आप वॉइस कॉल मिल रहा है प्लस 100 100 मैसेजेस का आपको एक दिन का 100 मैसेजेस भी फ्री में दे रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये क्या चीज़ है, दिस इज द पैकेज सॉफ्टवेयर। इसको हम क्या कहते हैं, वी कैन कॉल इट एज पैकेज सॉफ्टवेयर, फाइन, इसको हम कहेंगे वी कैन कॉल इट पैकेज सॉफ्टवेयर। नाउ नाउ आफ्टर द पैकेज सॉफ्टवेयर द नेक्स्ट थिंग इज कस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमने कस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पढ़ा कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अगले को बोल के, हम प्रोग्रामर्स को बोल के क्या करा सकते हैं, अपने हिसाब का जिस जिस अपने नीड के अकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर हम क्या करा सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका कस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट इज वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट इज वो वेब एप्लीकेशन। अगला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगला टॉपिक हमारे पास होता है वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन आता है। अच्छा ठीक है, वेब एप्लीकेशन के बाद द नेक्स्ट इज ओपन सोर्स। वेब एप्लीकेशन में हमारे पास, पहले वेब एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो वेब एप्लीकेशन एक इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, वेब एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, इन वेब एप्लीकेशन यू कैन एक्सेस एनी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। जैसे ईमेल या वर्ड पे जो फाइल्स हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो इट इज़ वेबसाइट दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी कंप्यूटर, ठीक है, एक किसी भी कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स को, इंक्लूडिंग ई मेल, वर्ड प्रोसेसिंग, गेम्स। चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ ऑफ दिस थिंग, ओपन सोर्स का नहीं, वेब एप्लीकेशन का। सी वर्ड ऑनलाइन अगर मैं टाइप करूँ, नहीं वर्ड ऑनलाइन नहीं, माई फेवरेट गूगल स्लाइड्स, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ गूगल स्लाइड, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, गूगल स्लाइड्स और यू कैन से स्लाइड्स ऑल्सो। ओके अभी देखो जब हमने यहाँ पे स्लाइड्स पे क्लिक किया ना, एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर गूगल का, ये गूगल का स्लाइड, गूगल स्लाइड्स इज व्हाट, इट्स अ सॉफ्टवेयर, बट हाउ आई एम यूजिंग दिस स्लाइड, आई एम यूजिंग दिस स्लाइड ऑनलाइन। मैं इस स्लाइड का उपयोग यूज कैसे कर रही हूँ, मैं इस स्लाइड को ऑनलाइन यूज कर रही हूँ, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रही। देखो दो बात होती है, अगर मैं यहाँ पे जाके पावर पॉइंट को ओपन करूँ, जस्ट वेट, अब देखो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप में जाके अगर मैं पावर पॉइंट को ओपन करूँ, समझना डिफरेंस समझना, पावर पॉइंट ओपन हो जाए, ओके कुछ कोई, हाँ चलो ठीक है, सपोज करो दिस, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, ये बच्चों ने ही बना के मुझे भेजी थी, तो आई एम यूजिंग दैट। ध्यान से समझना डिफरेंस को समझना, यहाँ पे जो स्लाइड है मेरे पास, अब ये इस स्लाइड में क्या है, दिस पावर पॉइंट इज अ पैकेज सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे एक पैकेज माइक्रोसॉफ्ट के साथ पैकेज में मिला था, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये मुझे पैकेज के साथ मिला था, लेकिन जो मैं ऑनलाइन यूज कर रही हूँ ये मैं वेब पे यूज कर रही हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, तो ये क्या चीज है, यहाँ पे अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज करूँ, सपोज यहाँ पे मैं अगर कुछ ऐसा कुछ बनाऊँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, दिस आई एम यूजिंग ऑनलाइन। आप देख पा रहे होगा कि मेरा लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेज सॉफ्टवेयर एंड वेब एप्लीकेशन। दिस इज वॉट, दिस इज वेब एप्लीकेशन, ठीक है, ये क्या चीज है, ये वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, और पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, पैकेज सॉफ्टवेयर होता है
वो सॉफ्टवेयर जिसको हम कब यूज करते हैं, पैकेज में यूज करते हैं।